ऐसा राजनीतिक पहलवान जो ना राइट गया ना लेफ्ट गया, अपनी ही विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाता गया। मौलाना मुलायम भी, चौधरी मुलायम भी, और नेताजी भी, पहलवान भी, धरती पुत्र भी, लिटिल नेपोलियन भी, कितने ऐसे नाम जिससे नवाजा गया मुलायम सिंह यादव। का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अ फुल टाइम पॉलिटिशियन इवन फ्रॉम अ हॉस्पिटल बेड, दीज आर अमंग द लास्ट इमेजेस ऑफ मुलायम सिंह यादव और नेताजी एज ही वॉज रेफर्ड टू Meeting his old socialist comrade Nitish Kumar in September. तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय सरकार में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को देश के दिग्गज राजनेताओं में गिना जाता है। मुलायम सिंह यादव 82 साल के थे। जब मुलायम सिंह यादव अस्पताल में थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लगातार मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की जानकारियां ली थी। बहरहाल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ और एक संघर्षशील युग का अंत हुआ है। द फॉर्मर रेसलर हु स्टॉर्मड टू पार ड्यूरिंग द पीक ऑफ इंडियाज मंडल वेव in the 80s and 90s, which saw OBC netas like Mulayam and Lalu Yadav ascend to power across the Hindi belt. The politics of Mandir Mandal would engulf him. From his first term as chief minister, when in 1990, he ordered police firing on Kar Sevaks marching to Ayodhya. 16 people were killed. It marked the start of the new Muslim Yadav or MY axis in North Indian politics. डरा के कि तुमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे साथ रहो, ये तो सिक्योरिटी नहीं होगी। ऐसा मैंने कभी भाषण नहीं कहा। हमने मुसलमानों से कहा कि अगर मस्जिद की हिफाजत की तो मैंने आपका कोई एहसान नहीं किया। हमने देश की एकता के लिए। In 1996, he got his break on the national stage. Becoming defense minister during the United Front government. In 1999, after the Vajpayee government fell, he decided not to support Sonia Gandhi's famous claim of we have 272 after initially assuring her of the Samajwadi Party. By 2003, he came back to power in UP as chief minister for the third time. By then, the socialist sheen was transforming. In large part because of Mulayam's unlikely partnership with the flamboyant Amar Singh. The Yadav Parivar found themselves frequently rubbing shoulders with the corporate world with a dash of filmy glamour. लहराए गए थे, अडवाणी जी को लग रहा था कि सरकार गिराई जा सकती है, जल्दी चुनाव कराए जा सकते हैं और ये मौका है सत्ता में आने का, लेकिन मुलायम सिंह तब भी सत्ता के लालच में उन्होंने अडवाणी जी से या बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया था, उल्टा उन्होंने उस सोनिया गांधी की अगुवाई वाली सरकार का, अगुवाई से मतलब कि वो यूपीए की चेयरपर्सन हुआ करती थी, उसका साथ दिया था, जिन्होंने उनका कथित रूप से, ऐसा मुलायम सिंह यादव को लगता था, 1999 में प्रधानमंत्री बनने का पत्ता काट दिया था। तो इतना बड़ा दिल था। देखिए, सेंटर लेफ्ट थे वो, और इस देश में होना भी चाहिए सेंटर लेफ्ट। ये गरीब मुल्क है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज पैदा होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन समानता रूप से नहीं। मैं तस्वीर देख रहा था जो आपके नेता, आपके कॉरेस्पोंडेंट बात कर रहे थे उनके एक सपोर्टर से और वो रो रहे थे। ये होती है विरासत जो नेता छोड़ता है। अंतोतगत्वा कोई भी नेता इसी पैमाने पर जांचा जाता है कि उसके जाने के बाद कितने लोग व्यथित हैं, दुखी हैं। क्षति पूरे देश की हुई है, हिंदुस्तान की सियासत की क्षति हुई है। नेताजी का एक युग खत्म हो गया। लोहिया जी, जेपी जी और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी, आज वो समाजवाद का युग मैं समझता हूँ कि खत्म लगता है। जो देश को नुकसान हुआ है, जिस वक्त देश को सबसे बड़ी ज़रूरत थी नेताजी की, उस वक्त उन्होंने हम लोगों से का साथ छोड़ के चले गए। हम इस बात के बाद सब अफसोस है, खास तौर से अल्पसंख्यक होने के नाते मुझे ये कहना ज़रूरी है कि नेताजी ने हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को ये एहसास दिलाया कि ये देश उनका है, उनका भी, ये बराबर के हिस्सेदार हैं वो, और बराबर के हक की बात उन्होंने हमेशा
अल्पसंख्यकों के लिए करी। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखना, अगर किसी को तबीयत खराब है तो फोन करना, उससे पूछना। नाम से जानते थे वो अपने कार्यकर्ताओं को, अगर कोई बताया कि नेताजी फला है तो कहते थे कि आप बताएंगे हमें ये कौन है। कोविड अगर एसटी हसन को हो गया तो फोन करके उसका हाल पूछना। इतने बड़े नेता, एक छोटे से कार्यकर्ता का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बापू के सपनों को एक लड़ी में पिरोया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को साथ लेके बापू के सपनों को साकार किया और आज का हिंदुस्तान हमारे सामने है। आज एक ऐसे नेता की बहुत सख्त जरूरत है जो सारे धर्मों के लोगों को बांध कर एक हिंदुस्तान, एक सुप्रीम पावर वाले हिंदुस्तान बनाए। हमारी तो ऊपर वाले से अल्लाह पाक से यही दुआ है।